वहां चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े करेगा, लेकिन वैसे लोगों की मंसूबा कभी सफल नहीं होने देगा। उसी मंसूबे से जनता के आदेश का सम्मान करते हुए, पालन करते हुए, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखते हुए हमने फैसला जो औपचारिक रूप से आज लिया है, लेकिन चुनाव के बाद ही हमारे साथी और लोग कहने लगे थे कि यही करना चाहिए। धीरे धीरे औपचारिकता पूरा करते हुए हम सब लोगों ने आज अंतिम रूप से फैसला लिया है, जनता के आदेश का सम्मान हमने किया है। अब यहाँ हम सब लोग उपस्थित हैं, पूरी जमात आज से जो लोग भी हमारे साथ बिहार भर में थे, तमाम पूरी जमात बिना कहे हुए आज से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक साथ ही जनता दल यूनाइटेड का हो गया। अब आगे हम लोगों को मिलकर चलना है आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। मीडिया के बंद रूप में सवाल पूछ सकते हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग टीवी किया था, वहां लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या तय हुआ है, पता नहीं मीडिया के बंधु हर चीज के बारे में क्या सोचते रहता है। भैया आप कहीं किसी से इसी रूप में मिलते हैं तो हमेशा कुछ तय करते हैं, तय करने की जरूरत बिना सर बिना कुछ भी कोई बिना कंडीशन इस घर में मैंने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करने का फैसला लिया है। और अपने राजनीतिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, अब आगे जो कुछ भी उतार चढ़ाव देखना है वो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को। एक वक्त होता है आदमी के जीवन में, किताब में पढ़कर सारा ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, अनुभव से ज्ञान होता है, और जब अनुभव कम हो थोड़ा दाएं बाएं आदमी कर रहा है। लेकिन अब इतने दिनों के लंबा सफर में उनके कुशवाहा ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखते हुए बहुत अनुभव किया, और उस अनुभव के आधार में अब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपने जीवन का जो भी शेष बचा है, जब तक नीतीश कुमार जी है हम लोग हैं, तब तक इनके नेतृत्व में जनता की सेवा बहुत अच्छा काम। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में ये हुआ है, ठीक में काम चाहे जितना हो फिर भी 100% सब कुछ हो गया या फिर कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन काम बहुत हुआ है, आगे भी बहुत कुछ करना है।